तो क्या हाल चाल है भाई लोगों। उम्मीद करता हूँ सभी लोग आप बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। गाइस आज की वीडियो में जो स्ट्रेटेजी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा, इसके रिजल्ट यार काफी ज्यादा अच्छे एक्यूरेसी के साथ में आपको मिलते हैं। आप लोग भी काफी अच्छा मार्केट से प्रॉफिट जो है वो बुक कर सकते हो। आप लोगों को वीडियो जो है लास्ट तक देखना इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ पर मैं आप लोगों को लाइव ट्रेडिंग भी करके दिखाऊंगा, आसान तरीके से स्ट्रेटेजी बताऊंगा। आप लोग ये भी समझ पाओगे कि कब कब आपको कितना ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है ताकि स्ट्रेटेजी के अगेंस्ट जाकर के आप मार्केट में कभी लॉस ना करो। तो यार फुल पैकेज ये वीडियो एक होने वाला है, आप लोगों को लास्ट तक देखना जरूरी है और यहाँ पर कुछ बेस्ट एंट्री पॉइंट्स एंड सीक्रेट्स भी आपको देखने को मिलेंगे। तो यार बिना किसी देरी के हम ये वीडियो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यार अभी आप लोग देख सकते हो यहाँ पर ओलिम ट्रेड के अकाउंट में मैं लॉगिन हूँ और यहाँ पर इंडिकेटर के आइकन पर मैं क्लिक करूंगा और गाइज यहाँ पर आप लोगों को एक ऑप्शन मिलेगा ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज का। यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर कई सारी स्ट्रेटेजीज आपको मिलेंगी, इसमें से हमको एक डाइविंग जो स्ट्रेटेजी होती है उसको यूज करना है। गाइज यहाँ पर आप लोग समझ सकते हो कि मैं डाइविंग जो स्ट्रेटेजी है उसको मैंने यहाँ पर क्लिक किया हुआ है। चलो इसको मैं थोड़ा डिटेल में आपको बताता हूँ कि ये काम कैसे करता है। इसमें देखो रेट ऑफ चेंज होता है दो, ठीक है, जिसमें एक में आपका एरिया चार्ट है, एक में आपका हिस्टोग्राम है और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इस वाले पॉइंट पर तो यहाँ पर 20 पीरियड का एसएमए जो है वो यहाँ पर मार्केट में पिक किया हुआ है। ठीक है यार, ये सारी जो इंडिकेटर्स हैं इनके साथ में हमें कुछ मैनुअल चेंजेस करने पड़ेंगे, मैनुअल सेटिंग्स हैं वो चेंज करनी पड़ेंगी। ये सारी चीजें मैं करूँ उससे पहले यार, अगर गाइज आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो गाइज टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो यार। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि मैं लाइव ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग के सिग्नल्स आपको देता हूँ, आप भी ज्वाइन कर सकते हो जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, यहाँ पर सेशन के फीडबैक आपको देखने को मिल जाएंगे, आज के सेशन के फीडबैक हैं, मॉर्निंग के सेशन के। ठीक है, इसके बाद भी आप लोग यहाँ पर कई सारी चीजें हैं जो देख सकते हो, गिव अवेज, प्रोमो कोड्स, गिव अवे के रिजल्ट्स, ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो आप फटाफट से जाओ ज्वाइन करो टेलीग्राम चैनल को, इस वीडियो के नीचे आपको टेलीग्राम चैनल का गाइस लिंक मिल जाएगा। ठीक है, चलो तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर मैनुअल चेंजेस की। तो सबसे पहले यहाँ पर जो रेट ऑफ चेंज हिस्टोग्राम है गाइज इसकी मैं बात करता हूँ, इसको यहाँ पर मैं चेंज करूंगा और इसकी जो वैल्यू रहेगी गाइज मैं करूंगा 11। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि 11 पीरियड यहाँ पर मैंने चेंज कर लिया है और इसको मैं यहाँ से बैक कर दूंगा, इसको मैं यहाँ से कैंसिल कर दूंगा। इसके बाद जो एरिया चार्ट की फॉर्मेशन में है रेट ऑफ चेंज, इसको गाइज आपको 4 करना है। ठीक है, इसको 4 करना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैंने 4 कर लिया है और कलर आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी कर सकते हो, मैं यहाँ पर ये कर लेता हूँ येलो। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 20 पीरियड के एसएमए की, तो गाइस 20 पीरियड का एसएमए बाय डिफॉल्ट होता है। ठीक है, मुझे रखना है ये 18 पीरियड का है। ठीक है, तो इसको मैं 18 की काउंट पे कर लूंगा। गाइज ये कलर बहुत ही गंदा है, मुझे पसंद नहीं है, ग्रीन कलर को यहाँ पर मैं सेलेक्ट करूंगा और इसको यहाँ से मैं अभी चेंज कर दूंगा। तो गाइज आप लोगों को एक बार मैं सारी चीजें यहाँ पर बता देता हूँ कि कैसे कैसे आप लोग यहाँ पर सारी चीजों को देखोगे, और इसके लिए एक बार मैं नया यहाँ पर स्क्रीन शॉट पिकअप कर रहा हूँ और यहाँ पर आप लोगों को मैं स्ट्रेटेजी बताता हूँ। तो देखो सबसे पहले एसएमए की मैं बात करूँ, 20 पीरियड का एसएमए, 1 मिनट के चार्ट के टाइम फ्रेम के ऊपर हम लोग यहाँ पर मार्केट की एनालिसिस कर रहे हैं, ये 1 मिनट का चार्ट। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूं ये जो मेरा 20 पीरियड का एसएमए गाइस, ये एक ऐसी लाइन है, सिंपल लाइन है। ठीक है, इसको आप इस तरीके से समझो, अगर मार्केट इसके ऊपर होगा तो हम अप ट्रेंड समझेंगे, यहाँ से अप ट्रेंड है, अप डायरेक्शन की ट्रेड लेंगे। मार्केट जब इस एसएमए लाइन के नीचे होगा तो हम डाउन डायरेक्शन की ट्रेड लेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल है, इसका एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। इस वाले पॉइंट के बाद मार्केट का डाउन डायरेक्शन में आप मूवमेंट देख सकते हो और इस पॉइंट पे क्रॉस सेक्शन के बाद यहाँ पर मार्केट टोटली अप डायरेक्शन का ट्रेंड है। तो इस तरीके से आपको समझना है। अब इसकी कंफर्मेशन लेने के लिए गाइज हमको यहाँ पर जो रेट ऑफ चेंज है, जो वैल्यू हमने रखी है 11 और 4, गाइज ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग वैल्यू है। ठीक है, इन वैल्यूज के ऊपर आप अगर हिस्टोग्राम और आप एरिया चार्ट के ऊपर रेट ऑफ चेंज को जज करोगे तो डेफिनेटली आप लोगों को अच्छा एक रिजल्ट मिलेगा। कैसे मिलेगा बताता हूँ गाइज। देखो जब ये मैं एक बार दोबारा लेता हूँ गाइस, ठीक है, सब कुछ यहाँ पर हम दोबारा एक बार चार्ट के ऊपर से पिक करते हैं और फिर आप यहाँ पर चीजें समझ पाओगे कि कैसे हम लोग यहाँ पर मार्केट को एनालिस्ट करेंगे और कैसे हम लोग गाइस ट्रेड करेंगे। इस पॉइंट की मैं बात करता हूँ, इस वाले पॉइंट के बाद मार्केट यहाँ पर इस कैंडल के बाद अप जाना स्टार्ट हुआ है, वेरी सिंपल। इसके बाद टोटल जो ट्रेंड है गाइस अप ट्रेंड है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। अगर मैं बात करूँ मेरे एरिया चार्ट, सॉरी रेट ऑफ चेंज जो मेरा है हिस्टोग्राम, ये कंफर्मेशन आपको यहाँ पर दे रहा है। लेकिन गाइज एक सीक्रेट मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ,
कि हिस्टोग्राम और ऐसे में जब भी आपको मार्केट का ट्रेंड बताएगा, उससे पहले जो 4 पीरियड का हम लोग यहाँ पर रेट ऑफ चेंज का एरिया चार्ट लेकर के चल रहे हैं गाइस, ये हमको पहले ही सिग्नल दे देगा कि मार्केट विल गो इन अपवर्ड डायरेक्शन। बात करते हैं, चलो यहाँ पर अभी क्रॉस करके मार्केट डाउन डायरेक्शन में नहीं आया है, मान के चलो यहाँ पर, और एरिया चार्ट ने पहले ही कंफर्मेशन दे दिए कि अब मार्केट डाउन आएगा, और यहाँ पर आप लोग इसकी मूवमेंट भी देख सकते हो। कुछ ट्रेड्स मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ, तो जब मैं ट्रेड्स ओपन करूंगा तो डेफिनेटली आप लोग यहाँ पर समझ पाओगे कि कैसे मार्केट काम करता है, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर मैं ट्रेडिंग करूँ उससे पहले, अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से जाकर के ज्वाइन कर लो, साथ में यार आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, जिससे क्या होगा लेटेस्ट जो भी मेरी वीडियोस के अपडेट होंगे वो आपको सबसे पहले मिलेंगे। गाइज एक और यहाँ पर स्क्रीनशॉट में आपको लेकर के दिखाता हूँ, आप लोगों को यार थोड़ा सा तो पेशेंस रखना पड़ेगा, कोई भी स्ट्रेटेजी आप यूज करते हो इस लेवल की मैं बात करूँ एक कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है, ठीक है। इसके ऊपर मार्केट थोड़ा जाने में टाइम लेगा, जैसे क्रॉसओवर होता है या फिर जैसे ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी हैपन होती है तो हम डाउन डायरेक्शन या अप डायरेक्शन की जो ट्रेड्स होंगी वो लेंगे, ठीक है। मैंने बताया था मार्केट थोड़ा टाइम लेगा, और यहाँ पर मार्केट में मूवमेंट्स हमको डाउन डायरेक्शन की देखने को मिल रही है, और ये कैंडल जैसे ही एक्सपायर होती है डेफिनेटली मैं एक डाउन डायरेक्शन की ट्रेड लूंगा गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एक जो ट्रेड है गाइस, यहाँ पर $2,000 का इन्वेस्टमेंट मैंने किया है गाइस डाउन डायरेक्शन में, यहाँ पर मैं ये देख सकते हो पहले से ही मेरा अमाउंट यहाँ पर फिक्स था, तो यार ये गलतियां आपको कभी नहीं करनी है। तो यहाँ पर मैं 500 कर लेता हूँ, क्योंकि अगर पहले से ही आपका कोई अमाउंट सेलेक्टेड होता है, बहुत सारे लोग डेमो में प्रैक्टिस करना चाहते हैं बट उनका पहले से ही अमाउंट जो होता है रियल सेलेक्टेड होता है, जिसकी वजह से उनको लॉस या प्रॉफिट जो होता है उसी अमाउंट के अकॉर्डिंग होता है। यहां से मार्केट डाउन ही डायरेक्शन में आएगा ऐसी मुझे कंफर्मेशंस मिल रही है मार्केट से, बट स्टिल वी नीड टू वेट फॉर एटलीस्ट 29 और 27 सेकंड्स, उसके बाद जो रिजल्ट होगा वो हम एक बार गाइस यहां पर देखेंगे। मार्केट विल गो इन डाउन डायरेक्शन ये श्योर है, लेकिन अभी के लिए हम थोड़ा सा वेट करेंगे क्योंकि मार्केट की फ्लक्चुएशंस हम यहां पर क्लियरली देख पा रहे हैं, ठीक है। तो काफी क्लोज कॉल ये हो सकती है बट अभी मार्केट टोटली हमारे फेवर में। तो गाइज आप लोगों को ऐसे मार्केट को जज करना है, और यहां पर आप लोग देख सकते हो वी आर गोइंग टू मेक प्रॉफिट ऑफ $1,640। इफ यू लाइक द वीडियो देन थम्स अप यार, और आप इसे शेयर करो अपने यार दोस्तों के बीच में। तो आप लोग यहां पर देख सकते हो कि कैसे मैं ये जो मेरा एरिया चार्ट है इसको मैं एक बार बैक कर देता हूँ यहाँ से मैं इसको, ठीक है। 2 ट्रेड्स ओपन किए थे मल्टीपल, $2,000 इन्वेस्ट किया था हमने और काफी अच्छा हमने प्रॉफिट यहाँ से बुक किया है। तो मैं आप लोगों को एक बार यहाँ पर दिखा देता हूँ कि कैसे यार आप लोग यहाँ पर मार्केट को जज करोगे, ठीक है। तो हम एक लाइव चार्ट पर स्क्रीन शॉट को यहाँ से पिक करते हैं और फिर मैं आपको बताता हूँ गाइस। देखो यहाँ पर हम लोगों ने कहीं पर ट्रेड ओपन किया था, करेक्ट, इस पॉइंट पर कहीं पर। तो आप लोग यहाँ पर देखो कि ये मार्केट इसको क्रॉस करके डाउन डायरेक्शन में आएगा, उससे पहले ही 15 सेकंड के चार्ट के पर मुझे कंफर्मेशन मिली थी मार्केट डाउन आएगा, और हिस्टोग्राम जो है मेरा वो आपको लेट कंफर्मेशन दे रहा है। तो आप यहाँ से कंफर्मेशंस और यहाँ से कंफर्मेशंस आपको मिलेंगी, लेकिन उससे पहले कंफर्मेशन एरिया चार्ट आपको डाउन डायरेक्शन की मूवमेंट्स आपको शो कर रहा है। तो इस तरीके से आप ट्रेंड्स को पकड़ सकते हो और आप पहले ही मार्केट को जज कर सकते हो, उस बिहाव के ऊपर आप अपना इन्वेस्टमेंट गाइस रख सकते हो, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं बोलूंगा, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल यार सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं जब एनालिटिक्स को देखता हूं तो आप में से बहुत सारे लोग सब्सक्राइब करके नहीं जाते, तो यार सब्सक्राइब कर लो, आपका कुछ नहीं जाएगा और मुझे यहां पर आपके सपोर्ट से मोटिवेशन मिलेगा। तो यहां पर अभी एक आप लोग देख सकते हो सपोर्ट जो लेवल है गाइस, अगर मैं बात करूं इस लेवल की तो एक बार मैं आपको दिखाता हूं, थोड़ा सा हम लोग देखेंगे और मार्केट को, ये जो लेवल है आपका एक सपोर्ट लेवल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। ये आपका एक लेवल है जो सपोर्ट लेवल फॉर्म हो रहा है, सॉरी सपोर्ट, ठीक है। तो आपको रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट को कभी भूलना नहीं है। मैं यार जब भी पर्सनल ट्रेडिंग करता हूँ तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मैं बहुत ही ज्यादा डीपली बेसिस पर एनालिसिस करके चलता हूँ, ठीक है। चलो तो हम एक बार आ जाते हैं दोबारा से लाइव चार्ट के ऊपर एंड ट्राई करते हैं टू हिट सम बिग प्रॉफिट्स अगेन फ्रॉम दिस मार्केट गाइस, ठीक है। $500 हम लोग इन्वेस्ट करेंगे, किस डायरेक्शन में करेंगे ये हम अभी बताते हैं और आप लोगों को मैं बताऊंगा। थोड़ा सा मैं एक मिनट का चार्ट का टाइम फ्रेम देखता हूँ और डेफिनेटली वी आर गोइंग टू मेक अवर ट्रेड इन अपवर्ड डायरेक्शन। यहाँ पर अप डायरेक्शन को मैंने सेलेक्ट किया है गाइस, यहाँ पर जो एनालिसिस मैं कर रहा हूँ 15 सेकंड के चार्ट के टाइम फ्रेम को देखकर के कर रहा हूँ। तो यहाँ पर टोटल मैंने 3 जो ट्रेड्स हैं गाइस, 3 ट्रेड्स मैंने यहाँ पर ओपन किए हैं और $1,500 आई हैव इन्वेस्टेड इन अपवर्ड डायरेक्शन। यहाँ पर मैं थोड़ा सा मैंने लेट किया था बट अगर मैं थोड़ा पेशेंस रखूंगा तो मार्केट विल गो इन अपवर्ड डायरेक्शन, दैट इज माई प्रिडिक्शन विद माई स्ट्रेटेजी। आप लोग भी यहाँ पर देख सकते हो, एक बार मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ।
तो थोड़ा सा हम लोग क्लोज कॉल में जा सकते हैं, क्योंकि मार्केट में जो पहली ट्रेड हमने ओपन करी थी वो थोड़ा कहीं ना कहीं हमारी जल्दबाजी थी। तो यार देखो, रिजल्ट आपको तभी मिलेगा अगर आप पेशेंस के साथ में चाहते हो। पेशेंस अगर आप लोगों के पास नहीं है तो मार्केट में आप कितना भी स्ट्रॉन्ग सिग्नल आपको मिल जाए या कितनी भी अच्छी स्ट्रेटेजी आपको मिल जाए, मार्केट में आप लॉस देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर पहली वाली ट्रेड पर मैं थोड़ा और पेशेंस रखता, थोड़ा और डाउन लेता, तो वो मैं अच्छे प्रॉफिट के साथ में यहाँ पर विन कर सकता था, लेकिन बहुत ही क्लोज डिफरेंस के साथ में वो लॉस कर गया। बट स्टिल दो जो ट्रेड्स हैं $1,000 के, वो हमारे प्रॉफिट में जाने वाले हैं, और $820 वी मेड प्रॉफिट अगेन विद दिस स्ट्रेटेजी। तो गाइस, ये जो रेड कैंडल आपकी बनी है, ये कैंडल मार्केट का करेक्शन होता है। ऐसी चीजें आपको लर्न करने को मिलेंगी और आप लोगों को थोड़ा पेशेंस के साथ में जाना है। तो एक बार दोबारा से मैं आप लोगों को स्ट्रेटेजी बता देता हूँ और यहाँ पर आप लोग रिजल्ट्स देख सकते हो। गाइस, ये स्ट्रेटेजी मैंने 1, 2, 3, 4 टोटल 5 ट्रेड मैंने यहाँ पर लगाए हैं और 5 में से 4 ट्रेड हमने विन किए हैं। ये वाली जो ट्रेड थी, इस पर अगर मैं बात करूँ तो एक बार चार्ट पे मैं आपको दिखाऊं तो आप लोग भी यहाँ पर देख सकते हो, यहीं पर मैंने ट्रेड ओपन किया था और यहीं पर ट्रेड क्लोज हुआ है। तो बहुत माइनर डिफरेंस के साथ में हम लोग वो ट्रेड लॉस करें। तो आप लोग यहाँ पर ये चीजें समझो गाइस कि थोड़ा पेशेंस भी जरूरी है। अगर आप लोग नहीं कर सकते तो यार एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकते आप, क्योंकि जल्दबाजी आप करोगे तो लाइक ट्रेडिंग विल बी ए गैम्बलिंग फॉर यू। ठीक है, इस तरीके से आप समझो। तो चलो, यहाँ पर मैं कैसे चेक कर रहा हूँ एक बार दोबारा आपको डिटेल में बताता हूँ, ब्रीफली बताता हूँ, ताकि आप लोग यहाँ पर समझो। ठीक है, तो एक बार हम यहाँ पर लेकर के आते हैं हमारे स्निपिंग टूल को और फिर यहाँ से हम लोग मार्केट की गाइस एनालिसिस करते हैं। तो एक बार पूरे चार्ट फ्रेम को यहाँ पर मैं लेकर के आ रहा हूँ। तो आप लोग यहाँ पर एक चीज समझ लो गाइस, सबसे पहले ये मेरा एसएमए लाइन है। ठीक है, ये वाला, इसके ऊपर अगर मार्केट की कैंडल्स हैं ये वाली, तो हम अप डायरेक्शन की ट्रेड लेंगे, और अगर इसके नीचे हैं तो हम डाउन डायरेक्शन की ट्रेड लेंगे। अब आप मुझे बोलोगे कि सर आपने यहाँ पर क्यों लिया था अप डायरेक्शन का ट्रेड जबकि एसएमए के नीचे था। तो भाई मैंने आपको बताया, ये एक जो लेवल है ये एक सपोर्ट लेवल है। अगर आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को नहीं देखा है मेरी वीडियो को, मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है, इस लेवल पर सपोर्ट लेकर के वो चांसेस वेरी हाई रहते हैं कि अप जाएगा, रिवर्ट हो जाएगा। यार कोई भी, अगर आप डेली रूटीन भी देखते हो तो डेली रूटीन में भी आपकी जो हिस्ट्री होती है वो रिपीट होती है। मॉर्निंग में आप उठोगे, खाओगे, पियोगे, सोओगे, जो आपका काम है वो करोगे। सेम थिंग इन ट्रेडिंग एज वेल। यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस जब भी हम करते हैं तो मार्केट में सपोर्ट हो या रेजिस्टेंस हो, हिस्ट्री जो है वो रिपीट होती है। अगर यहाँ पर मार्केट पहले कभी रेजिस्टेंस लेके वापस गया है, दोबारा उस टाइम पर आएगा, तो चांसेस आप वेरी है कि वहां से वापस जाएगा। कन्फर्मेशन 100% नहीं होती वापस जाएगा, बट 99.99% आप चांसेस आर वेरी हाई कि हिस्ट्री वहां पर रिपीट होगी। तो ये चीजें देख करके मैंने यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन का ट्रेड लिया। तो आपको भी ये फॉलो करना है। ठीक है, पहली कंफर्मेशन। दूसरी कंफर्मेशन, मैं यहाँ पर आपको जो पहले ही बताया था कि हिस्टोग्राम पहले ही मुझे बता देगा कि मार्केट अप जाएगा या डाउन जाएगा। ये एरिया चार्ट है गाइस हिस्टोग्राम का, ठीक है, रेट ऑफ चेंज का। तो ये आपको पहले ही बता देगा यहां से मार्केट डाउन आएगा, इसको क्रॉस करेगा, नहीं करेगा, कब करेगा, लेकिन मार्केट डाउन आएगा, एरिया चार्ट मुझे पहले ही बता रहा है। ठीक है, सेम चीजें आपको 15 सेकंड के चार्ट के टाइम के फ्रेम के ऊपर भी देखनी है। और एक चीज, 15 सेकंड का चार्ट का टाइम फ्रेम और 1 मिनट का चार्ट का टाइम फ्रेम, दोनों में आपको कंफर्मेशन सेम अगर मिलती है तो डेफिनेटली यू गाइज कैन गो एंड प्लेस योर ट्रेड एज पर द स्ट्रेटेजी। आप लोग थोड़ा सा लर्न करो, थोड़ी चीजें समझो, डेफिनेटली आप लोगों को अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे गाइस। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि हम लोगों ने मार्केट से काफी अच्छा प्रॉफिट बुक किया है। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि 400, 400, 800 और 1600, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट $2,000 प्लस का हमें प्रॉफिट हुआ है अगर ये ट्रेड में हटा दो तो। ठीक है, प्रॉफिट में से अगर इसको माइनस कर दो तो आप लोग देखो कि कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी हम लोगों को यहाँ पर रिजल्ट दे रही है। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली हिट दी लाइक बटन और चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, बहुत जरूरी है। ठीक है, लाल बटन है, एक ही बटन है, दबा दो यार। ठीक है, इसके बाद अगर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो गाइज आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि टेलीग्राम चैनल को जाओ, फटाफट से ज्वाइन कर लो। यहाँ पर आपको बहुत सारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहेंगे। यहाँ पर जब मैं कब लाइव आऊंगा, कब लाइव नहीं आऊंगा, कौन कौन सी चीजें हम करेंगे, क्या चेंजेस है हमारे आज के मार्केट में, तो बहुत सारी चीजें हम उसको ध्यान में रखकर के यहाँ पर करते हैं। प्रोमो कोड्स, बोनस, बहुत सारी चीजें, जाओ फटाफट आप मेरे फ्री VIP लाइव एंड फ्यूचर ट्रेडिंग सिग्नल्स को ज्वाइन कर सकते हो। और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग, कीप अर्निंग गाइस। थैंक यू सो मच।